नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग बीए बीएससी बीकॉम यूजी पार्ट टू आरसीएस कॉलेज में एडमिशन फॉर्म किस तरह से भरना है ये संपूर्ण डिटेल्स आपके सामने शेयर करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट कर लें, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद आपके सामने यह वीडियो शेयर कर रहे हैं और ऐसा वीडियो अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा सिवाय इस वीडियो के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों आपको यूजी पार्ट टू में एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है, उससे पहले जो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ये हम आपको बता देते हैं। तो डॉक्यूमेंट जो लगने वाला है दोस्तों, सबसे पहले आपको लगेगा यूजी पार्ट वन में जो सेशन 21-24 में जो आप लोग आरसीएस कॉलेज में एडमिशन कराए होंगे, तो उसके बाद आपको एक रसीद मिला होगा। ठीक है, जो कि इस तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर का यानी कि जो भी था, इस तरह से पार्ट वन का रसीद दिखेगा। ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी कि रजिस्ट्रेशन स्लिप होना चाहिए पार्ट वन का, जो कि बहुत ज़रूरी है, और पार्ट वन का एडमिट कार्ड। ये तीनों डॉक्यूमेंट को आपको तैयार करके अपने पास रख लेना है, उसके बाद फॉर्म भरना है। ठीक है, फॉर्म भरते समय आपको एप्लीकेशन नंबर पूछा जाएगा, जिसको कि फॉर्म आईडी भी कहते हैं, तो उस एप्लीकेशन नंबर को यही वाला एप्लीकेशन नंबर में दर्ज करेंगे, तब आपके जो भी है वो लॉगिन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों तीन डॉक्यूमेंट जो कि आपके पास रहना चाहिए। पेमेंट की बात करें तो 1210 या 1200 रुपये कटेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए कैसे एडमिशन फॉर्म भरना है, उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में चले आना है। गूगल में सर्च कर लेना है GNewsBihar.com। जैसे सर्च करेंगे फर्स्ट नंबर पर इस तरह से दिखेगा। इस वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। फर्स्ट नंबर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद आपके सामने देख सकते हैं दोस्तों जो भी अपडेट है, इस तरह से समय समय पर आपको देखने को मिलते रहता है। उसके बाद आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा कि क्या आप जो भी है कॉलेज से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इनके अपने मोबाइल पर सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं अलाउ, क्योंकि हमें प्राप्त करना है, इसलिए यहाँ पे अलाउ कर लेते हैं। जैसे अलाउ करेंगे वो हट जाएगा। अब चलेंगे नीचे एडमिशन वाले कॉलम में, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हमें पार्ट टू का एडमिशन फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे देखिए आरसीएस कॉलेज पार्ट टू एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पे देखिए सभी कॉलेज का है, देख सकते हैं एमके कॉलेज, एसके कॉलेज, जीटी कॉलेज, बीएसएस कॉलेज, ये सभी कॉलेज का है। तो जिस भी कॉलेज के दोस्त लोग हैं, आप लोग इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपको तो जो जानकारी मिल रहा है बाकी आपको दोस्तों को भी मिले। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आरसीएस कॉलेज पार्ट टू एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे तो हमारे पास देख सकते हैं इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने में थोड़ा सा समय लग रहा है, देख सकते हैं ओपन हो चुका है। यहाँ पे लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट क्या है वो सभी आप लोग आसानी से चेक कर पाएंगे। और ऑनलाइन फॉर्म भरना कैसे है वीडियो में, यानी कि पार्ट टू का एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है, उसका भी वीडियो यहाँ पे है, तो आप लोग यहाँ पे वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं, तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई यानी कि पार्ट टू का एडमिशन फॉर्म भरना है, यहाँ पे वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म किस तरह से भरना है उस पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने लाइव इस तरह से ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं नोट में लिखा है UG1 2022 से 25 स्टूडेंट लॉग इन ईयर, यहाँ पे इस तरह से लिखा है, लेकिन आपको अपना लॉग इन करना है यहाँ पे। ठीक है, लिखने यहाँ पे लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपना आईडी यानी कि फॉर्म जो एप्लीकेशन नंबर हम आपको यहाँ पे जो बताएं, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो लिखा है यही एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे भरना है, और आपका जो भी नाम होगा वो भर के जैसे ही लॉगिन करेंगे तुरंत लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन करके भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे अपना जो भी फॉर्म नंबर था वो भर दिए हैं, फिर यहाँ पे अपना नाम जो भी है वो भर देते हैं। भरने के बाद लॉगिन बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपका भी इस तरह से ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे रुपया आपको बता देगा कि कितना रुपये कटने वाला है। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है, इस तरह से ओपन होगा। उसके बाद आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको चले जाना है यहाँ पे दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पार्ट वन में जो एडमिशन फॉर्म बनाए होंगे उसका प्रिंट आउट यहाँ से निकाल सकते हैं। पार्ट वन का जो पेमेंट किए थे उसका भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पार्ट वन के बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पार्ट टू का बात कर रहे हैं। तो पार्ट टू में दोस्तों आपको किस तरह से एडमिशन फॉर्म भरना है ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको अपलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप पर क्लिक करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन स्लिप क्लिक करेंगे, आपके सामने जो भी रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला होगा, तो आपको यानी कि पार्ट वन में, पार्ट वन के जो एडमिट कार्ड है ना, उसमें जो रोल नंबर लिखा है वही रोल नंबर यहाँ भरना है। वहाँ पे पार्ट वन के एडमिट कार्ड पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना है। पार्ट वन के एडमिट कार्ड पर रजिस्ट्रेशन ईयर लिखा होगा वो ईयर यहाँ पे भर लेना है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप को अपलोड करना है। ठीक है,
तो चलिए हम ये सभी डिटेल्स को भर लेते हैं। जैसे भरे दोस्तों इस तरह से दिखा है, उसके बाद अपलोड स्लिप लिखा है, यानी कि रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन स्लिप अपलोड कर लेते हैं। जैसे दोस्तों अपलोड किए इस तरह से दिखा, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरह से खाली हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन यानी कि रोल नंबर देखेगा इस तरह से, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखेगा, रजिस्ट्रेशन ईयर और एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे देखेगा, ठीक है, ये सभी दिखेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर का फोटो जो है वो यानी कि रजिस्ट्रेशन स्लिप जो अपलोड किया है वो यहाँ दिखेगा, ठीक है। ये मेरा सभी जानकारी सही है, हमने अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे करेंगे यूजी पार्ट टू एडमिशन पर क्लिक, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरह से ओपन होगा, आपको करना क्या है पे एडमिशन फी पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर स्कॉलरशिप भरना चाहते हैं तो इसी तरह से लॉग इन करके आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके स्कॉलरशिप भी भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एडमिशन फी को भरने वाले हैं, ठीक है। तो पे एडमिशन फी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास दोबारा से इसी तरह से डिटेल्स ओपन हो जाएगा जैसे कि फर्स्ट टाइम में ओपन हुआ था। पेमेंट कितना कटेगा वो देखेगा। अब यहाँ पे आपको दोबारा सा रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर भरना है और पार्ट वन का एडमिट कार्ड को अपलोड करना है। तो ये सभी जानकारी को हम भर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों हम भर लिए, हमारे पास यहाँ पे देखिए अपलोड किए तो यहाँ पे कहा गया कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो अपलोड हो चुका है। तो ओके पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से दिख जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए संपूर्ण डिटेल्स ओपन हो चुका है, बिल्कुल आसान से सभी जानकारी को हम भर चुके हैं। भरने के बाद यहाँ पे पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से डेबिट कार्ड का यानी कि जो भी पेमेंट कटाने का ऑप्शन है वो खुल जाएगा। यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और यूपीआई यानी कि फोन पे वगैरह से कटा सकते हैं। फोन पे वगैरह से कटाने के लिए यहाँ पे यूपीआई पर क्लिक करके जो है अपना आईडी भर के पेमेंट कटा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डेबिट कार्ड से कटाने वाले हैं, ठीक है। तो डेबिट कार्ड से कटाने के लिए यहाँ पे कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर के नाम और यहाँ पे मंथ, ईयर और सीसीवी, ये सभी भरना होता है जो कि हम भर लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे भर चुके हैं इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल गया। उसके बाद पे पर जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं पेमेंट 1203 रुपये कटेगा, यानी कि टोटली कहा जाए तो 1204 रुपये कटेगा, ठीक है। तो आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल होगा बैंक में जुड़ा हुआ उस पर एक मैसेज चला जाएगा, ठीक है। उस मैसेज को यहाँ पे भर के प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपका पेमेंट डन हो जाएगा। पेमेंट कटने के बाद आपके सामने जो है पेमेंट स्लिप को डाउनलोड कर लेना है। अगर पेमेंट स्लिप डाउनलोड करने में कोई परेशानी होता है तो आप हमें वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। फिलहाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट था कि आपको किस तरह से फॉर्म भरना, ये जानकारी शेयर कर दिए। और आपको बता दें दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारे यहाँ पे देखो व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ पे ज्वाइन टेलीग्राम भी है, तो जिसमें भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ के आप लोग अपना क्वेरी को पूछ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों बता दें कि पेमेंट कटाने के बाद जो रसीद मिलेगा उसको आप अपने कॉलेज में जाकर जमा कर देंगे, तभी आपका 100% फॉर्म फिलअप सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। धन्यवाद।